उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेश में किसी एक दिन 25 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले में लगभग 36,52,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है, जिसमें 15 लाख पौधे वन विभाग लगाएगा। इसके अलावा 21 लाख पौधे लगाने की जिम्मेदारी अन्य विभागों को दी गई है, जिसके लिए वन विभाग के पास इस समय 65 लाख पौधे उपलब्ध हैं। इसी के साथ कुपोषण को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में बनवाए गए शौचालय से लाभान्वित प्रत्येक व्यक्ति को एक एक सहजन का पौधे दिया जाएगा, जिसके लगवाने का कार्य जिला पंचायती राज विभाग करेगा तथा इसका देखभाल स्थानीय लोग और ग्राम सचिव करेंगे। जिसके संबंध में जिलाधिकारी केविजन पांडेयन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सहजन के अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी केविजन पांडेयन ने बताया कि सहजन में पौष्टिक गुण अधिक पाए जाते हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी की वजह से इस बार कार्य योजना बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर वृक्षारोपण कार्य को संपादित किए जा रहे हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को कम से कम 5 पौधे के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि पौधरोपण के लिए गड्ढे खुदाई के कार्य में प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को भी शामिल करने की योजना है, जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सके। इस संबंध में प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर और जिलाधिकारी केविजन पांडेयन ने बताया। ये जनपद स्तर पे 36,52,000 पौधों का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 15 लाख पौधे वन विभाग को लगाने हैं, बाकी 21 लाख पौधे अन्य विभागों को लगाना है। और 15 लाख पौधों के लिए, इन 36 लाख पौधों के लिए टोटल हमारे पास जनपद स्तर पे 65 लाख पौधे हैं, जिसमें से 54 लाख इस साल उगाए गए हैं, 11 लाख पिछले साल के हमारे स्टॉक थे। तो हम लोग सफिशियंटली स्टॉक है हमारे पास पौधा पूर्ति के लिए। उसके उपरांत मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट निर्देश था कि सहजन के पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। इस क्रम में सहजन भी काफ़ी मात्रा में उगाए गए हैं और सभी विभाग को उनकी मांग पत्र के अनुसार पौध की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, सहजन का जो सहजन होती है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी हाई होती है और इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि इस बेल्ट यूपी में जो अंडर न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर सहजन के पौधों को अगर हम अपने फूड डाइट्स में इंक्लूड करेंगे तो इसे न्यूट्रिशन रिच फूड होगा और माल न्यूट्रिशन को इसे हम टैकल कर सकते हैं। इस कारण मुख्यमंत्री जी इस पर प्रति देते हैं और हम लोग नर्सरी में सहजन को काफ़ी महत्व उगा रहे हैं। जुलाई माह में जब वृक्षारोपण का सीजन होता है, उस समय जितने भी घरों में शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायती राज विभाग के द्वारा कराया गया, जो कि लगभग 6.5 लाख के आसपास है, ऐसे सभी परिवारों को वन विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके निःशुल्क एक एक सहजन का पेड़ जो है, वृक्ष जो है, दिया जाएगा। और ये इंश्योर किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि वो प्रॉपर ढंग से उसका प्लांटेशन हो जाए और सही से ट्री गार्ड के अंदर वो सही से रहे, उसका मतलब बढ़े और लोगों को उसका फायदा मिले। सर, वृक्ष तो वन विभाग उपलब्ध कराएगा तो उसकी सुरक्षा क्या कौन करेगा, किस जिम्मेदारी? ये लगवाने की जिम्मेदारी हमारे सचिव और सफाई कर्मियों की रहेगी। उसके बाद सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी जो वहाँ के लोकल जिनको दिया गया है, ये एक्चुअली व्यक्तिगत सुपुर्द किया जा रहा है, जैसे व्यक्तिगत शौचालय है, शौचालय आपको सुपुर्द किया गया तो आपकी जिम्मेदारी है, परंतु साथ में जो प्रधान और सचिव है उनकी भी जिम्मेदारी होगी कि वो लगातार देखते रहे कि जो पेड़ है या जो भी जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो सही से रहे। जियो टैगिंग करा जाएगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल, एक एक की जियो टैगिंग कराया जाए, कि ये तो नियम ही है, जब भी प्लांटेशन होता है उसकी जियो टैगिंग होनी मस्ट है। तो
6.5 लाख अभी आप शौचालय बन गया है। हाँ, अभी गोरखपुर में 6.5 लाख शौचालय का निर्माण हो गया है। NOLB में अभी शौचालय का निर्माण चल रहा है, जिसके तहत 15,427 का टारगेट था, उसके सापेक्ष अभी 12,042 शौचालय बने हैं। 3,000 लगभग अभी काम चल रहा है, जो अगले 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। सभी जितने भी शौचालय जिस घर में बने, उन सब में सहजन का एक पौधा लगाया जाएगा, जो कि काफी न्यूट्रिशियस होता है। गोरखपुर में 27 लाख वृक्ष लगाने के लिए लक्ष्य है। वैसे हम लोग ज्यादा ही लगाएंगे, लक्ष्य ज्यादा लगाएंगे उस पर। इस समय के हिसाब से हम लोग तो जुलाई पहले सप्ताह से ही सारे तैयारी होगा, यानी बरसात के पहले हम लोग गड्ढा इड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। संभवतः जुलाई 15 के आसपास, नहीं तो 10 के आसपास के शासन से भेंट मिलेगा। इस बार शासन में लक्ष्य रखा है 23 करोड़ पौधा लगाने के लिए, ताकि हर व्यक्ति के हिसाब से वृक्ष लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए लक्ष्य मिला है। गोरखपुर का आबादी तो 60 लाख है, इसलिए तो हम उसी के हिसाब से प्लान करेंगे। भले हम लोग का 27 लाख लक्ष्य शासन से मिला है, हम प्रयास करेंगे उससे ज़्यादा ही लगाने के लिए। सर, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ शौचालय निर्माण हुआ था सरकारी शौचालय, इतने लगाने की बात आ रही क्या इसमें? देखिए, हर बार मुख्यमंत्री जी का वरीयता उसी पे होता है। खासतौर पर कुपोषण दूर करने के लिए सहजन का रोल बहुत अहम है। खासतौर पर जो शाकाहारी लोग हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, उन लोगों का जो आयरन कंटेंट कम हो जाता है शरीर में, आयरन कंटेंट बढ़ाने के लिए 1-2 वृक्ष और फल के जरिए से ही हो पाता है। उस पर सहजन है, सबसे सस्ता भी है, सबसे अच्छा भी है। इसे कल्पवृक्ष के रूप से कहते हैं। दक्षिण भारत में बहुत लोग उसके इस्तेमाल करते हैं, सब्जी के रूप से और किसी जूस के रूप से, किसी के पत्ता का भी यूज़ करते हैं, तमाम चीज़ को यूज़ करते हैं। यहाँ उसका आदत नहीं है, बट इसको आदत डलवाना होगा। इसलिए तो मुख्यमंत्री जी पिछले साल भी 1 लाख वृक्ष बांटे थे, इस बार 5 लाख के आसपास शौचालय है। हम उसी के हिसाब से 5-5.5 लाख वृक्ष देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इस बार भी सहजन का वृक्ष ज़्यादा लगाएंगे।